नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पर बात करेंगे सत्ता सिंहासन की लगन, सत्ता सिंहासन की राशि। जिनका जन्म ही शासन करने के लिए हुआ है, अब यह अलग बात है कि शासन आप कहाँ करते हैं। शासन करने की भी कैटेगरी अलग अलग है। कुछ लोग देश पे शासन करते हैं, और जो देश पे शासन करते हैं कुछ लोग उन पर भी शासन करते हैं। कुछ लोग घर में शासन करते हैं, कुछ लोग अपने ऑफिस में शासन करते हैं। तो सिंह राशि, सिंह लगन सत्ता सिंहासन की राशि है। सत्ता सिंहासन का लगन है, कठोर निर्णय लेने का लगन है। भाई, आप जितने भी राजनेता हैं उनमें सिंह लगन वालों को देखिए, उनका जो डिसीजन होता है ना, वो किसी की परवाह नहीं करते। योगी आदित्यनाथ महाराज, बुलडोजर बाबा, ठीक है, किसी की परवाह नहीं करते, जो करना है वो करते हैं। तो आप ऐसे ही मूड को लेकर चलते हैं, शेर का कलेजा लेके पैदा हुए हैं। भाई, आपके लगन पे शुक्र महाराज का गोचर हो रहा है आज से। मैं थोड़ा सा इस समय भ्रमण में हूँ, लेकिन आपको अपडेट कर रहा हूँ, और प्रकृति के बीच में रहिएगा। मैं जहाँ पे हूँ, देखिए, अगर आप काम करने का मूड बना लीजिए तो अब व्यवस्था में भी व्यवस्था आप खोज लेते हैं। मैं जहाँ पे हूँ, तत्त सर्वत्र चारों तरफ वृक्ष वृक्ष हैं। एक वृक्ष में मैंने ऐसे जुगाड़ करके मोबाइल लगा दिया, वहीं से आपको वीडियो दे रहा हूँ। तो सदैव सकारात्मक सोचिएगा। सकारात्मक सोच जीवन में विकास के मार्ग को खोल देती है। और नकारात्मक सोचेंगे तो क्या है, मेरे पास कैमरा नहीं है, स्टैंड नहीं है, लाइट नहीं है, तो वीडियो क्यों बनाऊं? ये भी हो सकता है। नहीं, जीवन प्रतिदिन एक एक दिन कम हो रहा है, प्रतिक्षण कम हो रहा है, हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए जीवन को सतत शाश्वत की ओर ले जाना है। तो शुक्र महाराज की जो गोचरी स्थिति है, एक वर्ष के बाद आपके लगन में, आपके राशि में हो रही है। क्या परिणाम देंगे ऐसे शुक्रदेव जो लग्नस्थ हो रहे हैं आपके, कर्म भाव के स्वामी हैं, पराक्रम के स्वामी हैं। तो कर्मा का स्वामी जब लगन में आए तो निश्चित रूप से नौकरी, व्यापार इत्यादि क्षेत्रों में आपको लाभ होता है। सरकार का सहयोग आपको मिलेगा, पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा। बिगड़ते हुए काम बनने की संभावनाएं बन रही हैं। मित्रगण, बंधु बांधव, दोस्त आपके सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यद्यपि अभी आप थोड़े से लापरवाह हैं, यद्यपि आप अभी थोड़े से फोकस कम कर रहे हैं। सूर्य नारायण 12वें में है ना, थोड़ी एनर्जी लेवल डाउन डाउन भी है, थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे हैं। तो शुक्र का गोचर करना आपके उस दबाव को कम करेगा। पहला पॉइंट क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहला पॉइंट यही है, शुक्र समस्त संसार में जो सुंदरता है ना, वो शुक्र है। हम अच्छे हो जाएं, हम अच्छे दिखे, हमारी संतान अच्छे दिखे, हमारा परिवार अच्छा दिखे, बेहतर घर बना लें, बेहतर गाड़ी ले लें, हम अट्रैक्शन के केंद्र बिंदु रहें, यह शुक्र ही तो करता है। तो शुक्र आपके जीवन में अट्रैक्शन देगा। इस बीच आपका ग्लो जो है निखर के आएगा, चेहरे पर आकर्षण होगा, लोग आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, आपका ओरा उनको खींचेगा, ऐसा आप कह सकते हैं। तो आपके मिलने से आपका काम हो रहा है, इसलिए लोगों से मिलिएगा ज़रूर, सादगी के साथ मिलिएगा, एक मीठी मुस्कान के साथ। 14 अशास्त्र रजनी चरते रघुवर के नाथ अकेले थे, एक मीठी मुस्कान ने काम कर दिया। तो बहुत सी चीज़ें वाणी को वीणा बनाने से काम हो जाता है, वाण बनाने की ज़रूरत नहीं है। मघा में चलेंगे, मघा का मतलब होता है शक्तिशाली आत्मा, मतलब बड़े लोगों से मुलाकात। जीवन में सभी लोग 5 फीट 6 फीट के ही होते हैं, बड़े का मतलब 10 फीट वाला नहीं, बड़े का मतलब जिनके अंदर बड़प्पन है, जो आपके लिए खड़े हैं, दरअसल वही बड़े हैं। तो वो उन लोगों से मुलाकात होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आप अपने पितरों का सम्मान करते हैं तो यह अवसर आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ अवसर है। जहाँ पर आपको ऑफिस में मान सम्मान मिलेगा, नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। इसके बाद शुक्र महाराज अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसका नाम है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। उसके बाद उत्तर फाल्गुनी में जाएंगे। तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में भी गोचर शुक्र का सुंदर परिणाम, सर्वाधिक सुंदर परिणाम पूर्व फाल्गुनी में देंगे, क्योंकि कर्म का स्वामी, पराक्रम का स्वामी बेहतर परिणाम देगा भाई। और सातवीं दृष्टि व्यापार पर है, तो व्यापार में गति प्रदान करेंगे। क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, कर्म क्षेत्र में विकास हो रहा, आपका अच्छा होगा, बड़े लोगों से कनेक्शन बनेगा आपका, बंधु बांधव सपोर्ट करेंगे। सप्तम दृष्टि व्यापार के घर पे है, तो व्यापार में गति आना स्वाभाविक है, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी के कारक होते हैं भाई, लक्ष्मी पुत्र है ये।
और संसार में जो भी लग्जरियस टाइप चीज़ है ना, उस पर एकाधिकार शुक्र का है। तो आप चाहते हैं कि जीवन में लग्जरियस चीज़ें आपको मिलें, तो आप अपने शुक्र को बेहतर करके रखें। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अपने ग्रहों को संतुलित करके रखना चाहिए। जो आपके बर्थ चार्ट पे अच्छे ग्रह हैं उनको मजबूत करके रखिए। उनमें शुक्र महाराज भी एक महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि मेहनत और कर्मा के स्वामी हैं, लग्जरियस लाइफ देने के स्वामी हैं, लक्ष्मी के कारक हैं। बेहतर कपड़े पहनिए, इस्त्री किए हुए मतलब प्रेस किए हुए, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, गंदे कपड़े ना पहने, अपना मेंटेनेंस रखें। जो भी समाज में आप पुरुष हैं तो स्त्रियों के लिए, स्त्री हैं तो पुरुष के लिए सम्मान का भाव रखें। थोड़ा सा परफ्यूम वर्फ्यूम का इस्तेमाल करें। विपरीत लिंगी को मीठे वचन बोलें, आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और मज़ा आ जाएगा लाइफ में। द्राम दीम द्रोम साह शुक्राय नमः कहना बेहतर होगा। सूर्य नारायण चूँकि 12वें में है, ऐसे में शुक्र का गोचर आपके लगन पे इस उमस भरी गर्मी में एक हवा के झोंके जैसा है, ठीक है ना। वातावरण जैसा भी है उसको अपने अनुकूल करके। कल मैं एक सज्जन से बात कर रहा था, वो बोले कि हम पिछले कई वर्षों से हम घर में एसी नहीं लगा पाए हैं। मज़ा आ गया मुझे सुन के। मैंने उनसे बताया कि भाई हमने तो पूरी ज़िंदगी एसी लगाया ही नहीं। तो वातावरण जैसे भी है, देखो सिंह का कोई सिंहासन नहीं होता, जिस पत्थर पर बैठता है उसी को सिंहासन कहते हैं। मज़ा तो तब ये है कि जब आपके जाने से उस जगह की शोभा बढ़ जाए। मज़ा तब है जब आपके कदम रखते ही लगे कि हाँ कोई आया है, और वो आपके कर्मा से, आपके व्यक्तित्व से होगा। तो अपने शुक्र को अच्छा करके रखिएगा। सेहत का अभी भी ध्यान आपको रखना चाहिए। शेष अपडेट करना मेरी जिम्मेदारी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। अभी जैसे सूर्य नारायण आपके लगन में आएंगे, जीवन का श्रेष्ठतम समय आ रहा है। सूर्य शुक्र की युति श्रेष्ठ लाभ देगी, लेकिन यहाँ पे अभी 14-15 तारीख तक आपको थोड़ा सा केयर करना होगा। इसी बीच में सूर्य नारायण अश्लेषा में गोचर करने वाले हैं। अश्लेषा थोड़ा खींचता है, थोड़ा बांधता है, इसलिए सूर्य नारायण को अर्घ देना। ओम घृण सूर्याय नमः। देखो लगन क्या है ना, कुंडली का प्राण होता है, ये शरीर है, इसमें प्राण ही खत्म, बात खत्म, राधे राधे दोस्त। तो जब तक प्राण है तब तक सब कुछ है, इसलिए लग्नेश को, राशिस को मजबूत करना, राशिस को नहीं, लग्नेश को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। राशिस को भी मजबूत करना जरूरी है, लेकिन रत्न के माध्यम से नहीं, मंत्र के माध्यम से। शेष राधे राधे।